शादी की खुशियां सिसकियों में बदल गईं, हर आंख हुई नम व बेबस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शुक्रवार की रात विवाह कार्यक्रम के दौरान हुए हादसे में दूल्हे के चाचा, फूफा, मामा व दुल्हन के परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद शादी की खुशियां सिसकियों में बदल गईं। गांव में हर एक शख्स की आंखें नम व बेबस थी। इस हादसे के चलते शादी की भी कोई रस्में पूरी ना हो सकी। वैसे भी हर पिता अपनी बेटी के विवाह को लेकर बड़े अरमान रखता है। पिता अपनी पुत्री के लिए पाई पाई जोड़कर उसके विवाह के लिए लाखों का इंतजाम करता है और उस दिन की बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार करता है जब वह अपने नाजों से पाली हुई पुत्री के हाथों को अपने दामाद के हाथों में सौंपता है। कुछ ऐसा ही अरमान लेकर सीतापुर जनपद कमलापुर थाना क्षेत्र के हनुमानपुर निवासी राजेंद्र पाल व उनके परिवार को टकटकी लगाए पनवारी की सूचना के बाद दूल्हे के आव भगत द्वारचार की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ, चारों तरफ चीख चित्कार मच गई। शादी की तैयारियों में जुटे हाथ घायलों के तिमिरदारी में लग गए। राजेंद्र पाल की पुत्री का विवाह बिसुआ थाना क्षेत्र के मोच कला गांव के निवासी राम प्रताप के पुत्र विकास के साथ तय हुआ था। गुरुवार को तिलक उत्सव भी संपन्न हो गया था। शुक्रवार को बारात भी आ गई थी। नाश्ते के बाद भोजन चल रहा था। अधिकांश लोग भोजन कर चुके थे, केवल कुछ लोग भोजन करना शेष रह गए थे। पनवारी भी जनवासे से घर जा चुकी थी और दूल्हे को मंडप के लिए प्रस्थान करने की तैयारी की जा रही थी। तभी रात करीब 9:30 पर रिमझिम बारिश होने लगी। अचानक तेज हवा के झटके से खेत में लगा पंडाल उखड़ गया और कुछ लोग उसे रोकने के लिए दौड़े। पंडाल में लगे लोहे के पाइप को पकड़कर रोकने का प्रयास किया। तब तक पंडाल पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ चुका था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले 7 लोग विद्युत करंट की चपेट में आने से झुलस गए। घायलों को पुलिस व एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा पहुंचाया गया, जहां पर गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल सीतापुर के लिए रेफर कर दिया गया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। शेष का उपचार जिला अस्पताल सीतापुर में चल रहा है। दुल्हन का श्रृंगार एवं हाथों में मेहंदी लगाए अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही दुल्हन व उसके परिवार पर मानो वज्रपात हो गया हो। रो रो कर परिवार के सदस्यों का बुरा हाल है। प्रकृति की इस मार ने परिवार की ऐसी दशा कर दी कि क्या करें क्या ना करें, उसके समझ में नहीं आ रहा। जहां एक ओर तय मुहूर्त निर्धारित दिवस पर शादी का कार्य संपन्न नहीं हो पाया, मंडप व उसका दीपक दूल्हे का इंतजार करते करते थक गया और वीरान सा पड़ा। बारात में आए हुए दूल्हे के चाचा मायाराम, फूफा राधेश्याम और मामा राम मौतार एवं लड़की पक्ष के रामचंद्र की मौत की खबर एवं लड़की के पिता सहित 3 लोगों के जिला अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने शादी की सहनाई को मातम में परिवर्तित कर दिया।